Assalamu alaikum, dear students. I hope you all would be fine. And first, I would like to share with my students is that the new dates for NEET and JEE exams have already been announced. Now, NEET is going to be conducted on 26th of July 2020, hopefully. In this regard, I would like to have a live session with my NEET students BT on the YouTube channel. The date for that video lecture would be announced in my next lecture. क्योंकि बेटे अब आपको अपनी जो strategies है, you have to redesign your strategies, you have to reorient yourself. What would be your execution plans now? आप कैसे execute करेंगे इन महीनों में? कौन से topic में कितना time आप allocate करेंगे? All that would be dealt in detail on what you call it in our next video lecture बेटे. A live session में हम इंशाल्लाह वो discuss कर लेंगे जहां हमारे साथ students होंगे. So, we will be discussing it in detail. By now, I would be starting with the new lecture on the ecology BT. As you know that we have started in your previous lecture with the biodiversity. आज का वही continue रहेगा वो lecture बेटे. आज मैं पहले आपको इस साथ ये share करना चाहूँगा बेटे. How many species exist on the earth? तो ये आप पहला लिख लीजिए बेटे, ये आप कॉपी कर लीजिए. हाउ मेनी स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, अर्थ पे कितनी स्पीशीज मेरे बच्चों एग्जिस्ट कर रही है बेटे. अकॉर्डिंग टू आईयूसीएन रिपोर्ट 2004 IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. इसका IUCN एक ऑर्गेनाइजेशन है बेटा इकोलॉजी रिलेटेड. इसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. 2004 का इनका रिपोर्ट है. इसमें ये बोलते बेटे मोर देन 1.5 मिलियन स्पीशीज टू बी प्रिसाइज 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज हैव ऑलरेडी बीन discovered and described. तो ये आप पहले बेटे नोट कर लो. इनका जो IUCN का जो 2004 का रिपोर्ट था उसमें ये बोलते हैं कि greater than 1.5 million species, to be very precise 1.7 to 1.8 million species are there on the world, on the planet earth, which have already been discovered, जिनको पूरी तरीके से properly discover किया गया है, which have been discovered, described, documented, इनका पूरा हमारे पास data available है बेटे, तो this is 1.7 to 1.8 million species. अब ये सवाल उठता है बेटे, क्या दुनिया में इतनी ही species है, या इससे और भी ज्यादा है बेटे? देखो बेटे, जो temperate areas है, उनमें जो इन्वेंट्रीज है यानी कि स्पीशीज जो डिस्कवर की गई है, डिस्क्राइब की गई है, रिलेटिवली वो मतलब ज्यादा है बेटे. ये नहीं कि मैंने ये नहीं कहा बेटा टेम्परेट एरिया में स्पीशीज ज्यादा है. जो इन्वेंट्रीज है, स्पीशीज इन्वेंट्रीज जो है बेटे, मोर एक्सप्लोरेशन हैज बीन डन इन द व्हाट यू कॉल्ड टेम्परेट एरिया. लेकिन जो ट्रॉपिकल एरिया है विच आर वेरी रिच इन बायोडाइवर्सिटी बेटे, जो बायोडाइवर्सिटी बहुत ही ज्यादा रिच है, वहां इन्वेंट्री अभी तक कंप्लीट नहीं है. और कहा जाता है कि ये जो एस्टिमेट है हमारे पास 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज, इससे बहुत ज्यादा स्पीशीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है बेटी. आप यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लीजिए, अकॉर्डिंग टू वन एस्टिमेट, ट्वेंटी मिलियन टू फिफ्टी मिलियन स्पीशीज
एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। तो इसका आप ख्याल रख लीजिए मेरे बच्चों। एक एस्टिमेशन है, कुछ साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है कि दुनिया में जो एक्चुअल नंबर ऑफ स्पीशीज है वो है 20 मिलियन से लेकर कितना 50 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। दिस इज वन ऑफ द एस्टिमेट, आपके टेक्स्ट बुक में भी बेटा लिखा हुआ है। लेकिन मोर लॉजिकल मोर साइंटिफिक एस्टिमेट वॉज गिवन बाय रॉबर्ट मे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे, ये एक इकोलॉजिस्ट है बेटा रॉबर्ट मे, इसने एक एस्टिमेट दिया है, वो ज्यादा लॉजिकल एस्टिमेट है, वो ज्यादा रीजनेबल एस्टिमेट है बेटे। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मेज एस्टिमेट 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ। 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन द अर्थ, ये दिस इज मोर साइंटिफिक, दिस इज मोर लॉजिकल एस्टिमेट। अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट ऑन द प्लेनेट अर्थ, 7 मिलियन स्पीशीज एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो बेटे बिफोर आई वुड गो अहेड, तो मैं आपको क्या बता दूंगा बेटे, एक जो हमारे पास स्पीशीज है विच हैव बीन डॉक्यूमेंटेड डिस्क्राइब्ड डिस्कवर्ड वो है 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज। कोई साइंटिस्ट का एस्टिमेशन है कि दुनिया में 20 मिलियन से लेकर 50 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट है। लेकिन जो सबसे ज्यादा वायबल जो है एस्टिमेट है वो है रॉबर्ट मे का, जो कहता है कि 7 मिलियन स्पीशीज आर देयर ऑन द अर्थ। ओके बेटे, Among the discovered species, जो species discover हो गई है बेटे, almost greater than 70% are animal and 22% are plants. आगे हम आपको बता देंगे और कहां क्या है। तो जो डिस्कवर्ड स्पीशीज है उनमें से जो ग्रेटर देन 70% है या ग्रेटर देन और इक्वलेंट टू 70% है उसमें एनिमल, यानी कि मात्रा ज्यादा डाइवर्स ज्यादा ग्रुप कौन है, किसकी स्पीशीज रिचनेस कहां पर ज्यादा है, एनिमल्स में। एंड 22% और व्हाट कॉल्ड एज 22% स्पीशीज आर प्लांट्स, यानी कि 70% एनिमल स्पीशीज है और 20% प्लांट स्पीशीज है बेटे। इसका मतलब मैं बता दूंगा बेटे, अब जो एनिमल्स है एनिमल्स में सबसे डाइवर्स ग्रुप है इंसेक्ट्स का। जो एनिमल्स है बेटे एनिमल्स में सबसे डाइवर्स ग्रुप जो है, द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप अमंग द एनिमल्स इज इंसेक्ट्स। यानी कि देखो बेटे मैं क्या कह रहा हूं बेटे, अब एनिमल्स की अगर हम बात करेंगे, एनिमल्स में अगर हम बात करेंगे तो एनिमल्स में सबसे डाइवर्स ग्रुप जो है जहां पर स्पीशीज रिचनेस सबसे ज्यादा है बेटे वो है आर्थ्रोपोड्स इंसेक्ट्स बेटे, आर्थ्रोपोडा। फॉर इस तरीके से आपको पता एक एस्टिमेट चलेगा, पता चलेगा आपको कि इंसेक्ट्स की अबंडेंस कितनी ज्यादा है, कितनी रिचनेस ज्यादा है। फॉर एवरी 10 एनिमल्स इन द वर्ल्ड 7 स्पीशीज बिलोंग टू इंसेक्ट्स। दोबारा से बता दूं, फॉर एवरी 10 एनिमल्स अगर आप किसी भी एरिया में जाएंगे और आपको 10 स्पीशीज वहां एनिमल्स की मिलती है, 10 में से 7 किसको बिलोंग करेंगे बेटे, इंसेक्ट्स को, 7 होंगी इंसेक्ट की स्पीशीज और रेस्ट होंगे बाकी बाकी वर्टेब्रेट्स या इनवर्टेब्रेट्स। तो ये मैं बात कर रहा हूं बेटे, द मोस्ट डाइवर्स ग्रुप अमंग द एनिमल्स इज व्हाट कॉल्ड एज इंसेक्ट्स। फॉर एवरी 10 एनिमल्स स्पीशीज 7 बिलोंग टू द व्हाट कॉल्ड एज इंसेक्ट्स। तो ये आपको ख्याल रखना पड़ेगा इधर मेरे बच्चों। अब चूंकि बेटे आप एक चीज जानते हैं, आपको पता है बेटे रिप्रेजेंट व्हाट अगर हमें प्रपोर्शन रिप्रेजेंट करना पड़ेगा आउट ऑफ टोटल, तो वी यूज ए थिंग दैट्स कॉल्ड एज पाई डायग्राम। टेक्स्ट बुक में दी गई है बेटे 3 पाई डायग्राम्स, एक के बारे में मैं थोड़ा सा आपको सिखाऊंगा इधर बेटे पाई डायग्राम के बारे में। देखो बेटे दिस इज अ पाई डायग्राम फॉर द अबंडेंस ऑफ द इनवर्टिब्रेट्स। कि इनवर्टिब्रेट्स में हम देखते हैं कि
कैसे मतलब पाई डायग्राम आएगी बेटे। जो इनवर्टिब्रेट्स है इसमें जो ये जो होगा बेटे पार्ट ऑफ द सर्कल, ये वाला पार्ट, ये दिस पार्ट इंक्लूडिंग दिस थिंग, दीज आर दिस पार्ट, यहां से यहां तक बेटे दिस रिप्रेजेंट्स इंसेक्ट्स, ये इंसेक्ट्स का ग्रुप है। ये जो एंगल है यहां पर देखिए, द एंगल, दिस एंगल इज ऑलमोस्ट व्हाट यू कॉल इट 270। इस सारे में ये जो एरिया अंडर दिस, दिस रिप्रेजेंट्स व्हाट यू कॉल इट अबंडेंस ऑफ इंसेक्ट्स। फिर ये जो चीज है, दिस रिप्रेजेंट्स मोलस्क्स, ये वाला पार्ट है, इट रिप्रेजेंट्स क्रस्टेशियन, और इसमें अदर इनवर्टिब्रेट्स आ जाते हैं बेटे, अदर इनवर्टिब्रेट्स, अदर एनिमल्स, अदर इनवर्टिब्रेट्स। इसको गौर से देख लीजिए बेटे, ये जो सबसे बड़ा पार्ट जो सर्कल का है, ऑलमोस्ट 70% ऑफ द सर्कल, दिस दिस इज ऑक्यूपाइड बाय, दिस रिप्रेजेंट्स इंसेक्ट स्पीशीज। उसके बाद ये जो छोटा सा एक पैच है, ये मोलस्क्स रिप्रेजेंट करता है, इनवर्टिब्रेट्स के बाद मोलस्क्स की डायवर्सिटी ज्यादा है। उसके बाद ये क्रस्टेशियंस को रिप्रेजेंट करते हैं बेटे, वी शुड व्हाट यू कॉल्ड एज, आप डिफरेंट कलर्स यूज कर लीजिए इसको दिखाने के लिए। और ये जो पैच है, इट रिप्रेजेंट्स व्हाट कॉल्ड अदर इनवर्टिब्रेट एनिमल्स। तो इसी तरीके से बेटे वर्टिब्रेट्स का दिखाया गया है टेक्स्ट बुक में, वर्टिब्रेट्स के लिए पाई डायग्राम दिखाई गई और प्लांट्स के लिए पाई डायग्राम दिखाई गई है। तो वो आप कॉपी करेंगे इंशाल्लाह, जो ही खुलेगा आई विल चेक योर नोटबुक, जो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला है। तो इस तरीके से आप पाई डायग्राम्स को कॉपी कर लो मेरे बच्चों टेक्स्ट बुक से। तो वहां तीन पाई डायग्राम्स दी गई है बेटे, इनवर्टिब्रेट्स के लिए अलग, वर्टिब्रेट्स के लिए अलग और प्लांट्स के लिए अलग। Now we will talk about diversity या biodiversity in India. Biodiversity in India. अब अगर इंडिया में biodiversity की बात की जाए बेटे, इंडिया occupies 2.4% of world's total land area. कॉपी कर लो ये, इंडिया जो है एज ए होल इट ऑक्यूपाइज 2.4% ऑफ वर्ल्ड टोटल एरिया, एरिया जो टोटल है वर्ल्ड का उसमें इंडिया कितना ऑक्यूपाई करता है, 2.4। तो अगर स्पीशीज ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करेंगे वो भी इतना ही होना चाहिए, क्योंकि एरिया ये कितना कवर कर रहा है बेटे, 2.4। तो अकॉर्डिंगली जो ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी का हिस्सा इसमें होना चाहिए वो भी आसपास 2.43 का होना चाहिए, लेकिन दैट्स क्वाइट हाई। इंडिया कंट्रीब्यूट्स, इंडिया कंटेन्स, इट कंट्रीब्यूट्स 8.1% ऑफ टोटल ग्लोबल डाइवर्स स्पीशीज डाइवर्सिटी, दैट नीड्स टू बी रिकॉल्ड एज कॉपीड बिटी। इंडिया जो है लैंड एरिया वो कंट्रीब्यूट करता है कितना वर्ल्ड का, 2.4%, but unexpectedly it harbors a very huge what you called as proportion of global species diversity. duniya ka land area 2.4%, lekin jo global species diversity ka hissa jo hai iska wo hai 8.1%. that's the reason we say india is one among the 12 mega biodiverse nations of the world. in duniya mein 12 कंट्रीज ऐसे, 12 रीजन्स ऐसे जिनको हम मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन्स बोलते हैं, जिनमें स्पीशीज डाइवर्सिटी काफी ज्यादा है रिलेटेड टू द लैंड एरिया दे ऑक्यूपाई। करंट है कि 19 है, लेकिन वी वुड फॉलो अ टेक्स्ट बुक कि 12 मेगा बायोडाइवर्सिटी रीजन्स है मेरे बच्चों। उनमें पीरू आता है, इक्विडोर आता है, कोलंबिया आ जाता है, ऑस्ट्रेलिया आ जाता है बेटे। तो इंडिया इज वन अमंग देम बिकॉज इट हार्बर्स अ वेरी गुड परसेंटेज ऑफ ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। India contains India contains 45,000 species
ऑफ प्लांट्स और आई कैन से 45,000 प्लांट स्पीशीज. इंडिया कंटेन्स अबाउट व्हाट? 45,000 प्लांट स्पीशीज आर प्रेजेंट इन इंडिया और ट्वाइस द नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज, यानी कि एनिमल स्पीशीज का नंबर यहां पर है 90,000 एनिमल स्पीशीज यहां पर है. इंडिया में अगर देखा जाए तो 45,000 प्लांट स्पीशीज एग्जिस्ट हियर, नॉट इज ए ह्यूज नंबर. And plant species are almost double, 90,000. And ये किस estimate के हिसाब से? It is as per the estimate of 1.7 to 1.8 billion species. ये उस लिहाज का बेटा estimate है. ये estimate कब true है? When we say that there are only 1.7 to 1.8 billion species on the body called the earth, तब इंडिया में ये इतना है बेटे. If we go as per the रॉबर्ट में एस्टिमेशन, अगर हम जाएंगे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट में एस्टिमेशन, हां तो बेटे अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट मे एस्टिमेशन, जो रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन था वो कितना था बेटा? 7 मिलियन स्पीशीज. उस लिहाज से ये जो है इट ओनली रिप्रेजेंट्स 22% ऑफ द व्हाट इज कॉल्ड एज टोटल डायवर्सिटी इन इंडिया. ये समझ लो बेटे, कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है. अगर रॉबर्ट मे का एस्टिमेशन ले जाए तो तब ये जो हमने दिया ये रिप्रेजेंट करता है सिर्फ ओनली 22% ऑफ द इंडियन डायवर्सिटी. अगर हम उस एस्टिमेट से जाएंगे, किस एस्टिमेट से? रॉबर्ट मे के एस्टिमेट से जाएंगे बेटे. इफ वी गो एज पर द एस्टिमेट ऑफ द रॉबर्ट मे, यहां पर मैं लिखूंगा, देन देयर एग्जिस्ट, फिर हम बात करेंगे बेटे, देयर एग्जिस्ट ग्रेटर देन 1 लाख प्लांट स्पीशीज इन इंडिया एंड ग्रेटर देन 3 लाख एनिमल स्पीशीज इन इंडिया. तो इसको देख लो मेरे बच्चों, अगर रॉबर्ट मे के एस्टिमेट से, तो ये जो फिर है एक्चुअल जो ये है, ये तो फिर सिर्फ 22% है. इट्स ओनली देन 22% ऑफ द डायवर्सिटी प्रेजेंट इन द इंडिया. अगर उस एस्टिमेट से चला जाए तो देर आर देन ऑलमोस्ट 1 लाख, मोर देन 1 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स इन इंडिया and more than 3 lakh animal species in India. Okay. देखो मेरे बच्चों, India has been divided into 10 biogeographic zones. India has been divided into 10 biogeographic zones. India को divide किया गया है 10 biogeographic zones में, 10 biodiversity zones में India को. geographic zone तो आप समझ रहे बेटे, 10 major biodiversity zones है India में जिनको हम biogeographic zones कहते हैं बेटे. उनमें से तो एक आता है बेटे, one is Himalayas. Himalayas is a vast biogeographic, what is called as huge biogeographic zone in India. Trans-Himalayas. India mein, we have deserts. We have semi-arids. We have Western Ghats. We have Northeast. We have Deccan Peninsula. We have Gangetic Plains. And we have islands, Andaman and Nicobar. तो यह है बेटा इंडिया के मेजर बायो जियोग्राफिक जोन्स,
विच आर वेरी रिच इन व्हाट यू कॉल्ड एज स्पीशी डायवर्सिटी. तो इंडिया को एज ए व्हाट यू कॉल्ड एज कंट्री, इसको डिवाइड किया गया है 10 बायोजोग्राफिक जोन्स में, विच इंक्लूड हिमालयाज, ट्रांस हिमालयाज, डेजर्ट्स. हिमालयाज तो आपको पता है बेटे, कश्मीर में देयर इज अ मेजर पार्ट ऑफ द हिमालयाज, लद्दाख से लेकर जाता है. ट्रांस हिमालयाज है, डेजर्ट्स है बेटे, सेमेरिट्स है. डेजर्ट्स वे हैव व्हाट यू कॉल्ड एज वेरियस डेजर्ट्स इन राजस्थान, गुजरात साइड. वेस्टर्न गॉट्स वी हैव नॉर्थ ईस्ट, वन मोर डेकन पेनिनसुला, गंगेटिक प्लेन्स अलोंग द गंगा. Next, we have islands. So these are 10 biogeographic zones in the India. देखो बेटे, India also shows high degree of animal endemism. ये please लिखो. India also shows high degree of endemism with respect to animal species. India also shows high degree of endemism. यहां पर यह term important है बेटे, endemism with respect to animal species. एक term है बेटे endemic species. Endemic species, उन species को बोलते हैं मेरे बच्चों, the species which only exist, what you call it, within a particular region, not outside that region. यानी कि इंडिया में कुछ species है which are endemic to India, जो सिर्फ इंडिया के अंदर पाई जाती है बेटे. इंडिया से बाहर जाएंगे आप, वो species आपको नहीं मिलेंगी. तो वो, so I can say the endemic species, they are very unique to their, what you call it, habitats, they are very unique to their countries. तो अगर animals मैं देखा जाए, एनिमल में हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म दिखाता है इंडिया. सबसे ज्यादा एंडेमिज्म जो है वो है मैक्सिमम एंडेमिज्म इज फाउंड इन वेस्टर्न गार्ड्स. आई कैन से इज फाउंड इन वेस्टर्न गार्ड्स विद रेस्पेक्ट टू एम्फीबियंस. That is 60%. यानी कि जो हमारे एम्फीबियंस है, सबसे एंडेमिक, सबसे ज्यादा एंडेमिक स्पीशीज जो है वो हमारे वेस्टर्न गार्ड्स में पाए जाते हैं बेटे. और वहां कौन से स्पीशीज एंडेमिक है, वहां एम्फीबियंस एंडेमिक है. यानी कि इंडिया में जो 60% व्हाट यू कॉल्ड एज एम्फीबियंस है, दे आर एंडेमिक टू इट एंड दे आर फाउंड इन टू व्हाट यू कॉल्ड एज वेस्टर्न गार्ड्स. अब इसके बाद बेटे फ्रेश वाटर फिशेज, इनमें 53% एंडेमिक है. फ्रेश वाटर फिशेज में हमारा जो एंडेमिज्म है वो है 53% का बेटे. इसी तरीके से रेप्टाइल्स, 36% रेप्टाइल स्पीशीज आर एंडेमिक. लाइकवाइज वी हैव एंजियोस्पर्म्स, फ्लावरिंग प्लांट्स, 33% of them are endemic to India. Likewise, mammals, we have 10%. इसमें 10% का एंडेमिज्म देखा जाता है. तो ये हो गया मेरे बच्चों रिगार्डिंग व्हाट यू कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया. ओके, अब ये तो था बेटा विद रेस्पेक्ट टू द डाइवर्सिटी, कि डायवर्सिटी दुनिया में कितनी स्पीशीज है, क्या क्या एस्टिमेशन है इसके हवाले से, इंडिया में कितना लैंड एरिया है, यहां कितना पाया जाता है, यहां कितने स्पीशीज डायवर्सिटी है, किस ग्रुप में कितनी ये है. पाई डायग्राम्स को मेरे बच्चों नोट कर लेना. तो उसके बाद हम बात करेंगे बेटे आप ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक जो आप हेडिंग लिखेंगे बेटे, दैट इज ग्रेडियंट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी. Gradients of biodiversity. आप बोलेंगे सर what is, what do you mean by this, कि gradients of biodiversity क्या होता है बेटे. Biodiversity not uniform throughout the world. ये नहीं कि बेटे species evenly distributed है. Biodiversity is not uniformly what you call it distributed. There's no uniform distribution.
अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है बेटे बायोडायवर्सिटी का, यानी कि उसका मतलब क्या है, कुछ रीजन में बायोडायवर्सिटी बहुत ज्यादा है, कुछ में बहुत कम है, सम आर बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, कुछ रीजन में बायोडायवर्सिटी बहुत कम है। तो बायोडायवर्सिटी इज नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, जो ग्रेडियंट्स है बायोडायवर्सिटी के, बायोडायवर्सिटी शोज ग्रेडियंट्स विद रेस्पेक्ट टू द लैटिट्यूड, विद रेस्पेक्ट टू द ऑल्टीट्यूड, विद रेस्पेक्ट टू द टोपोग्राफी, बहुत मतलब बायोडायवर्सिटी वैरी करती है बेटा, ग्रेडियंट दिखाती है विद रेस्पेक्ट टू द लैटिट्यूड, विद रेस्पेक्ट टू द ऑल्टीट्यूड, विद रेस्पेक्ट टू द टोपोग्राफी, मॉइस्चर एंड मॉइस्चर कंटेंट, ह्यूमिडिटी। लेकिन यहां पर दो चीजों का हम यहां पर बेटे जो सबसे इंपॉर्टेंट जो है बेटे वो जो डिस्कस करने हम जा रहे हैं बेटे वो है ग्रेडियंट ऑफ बायोडायवर्सिटी विद रेस्पेक्ट टू द लैटिट्यूड। देखो बेटे, तो हम डिस्कस करेंगे लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ द बायोडायवर्सिटी, लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ द बायो डायवर्सिटी। देखो बेटे, अगर हम अर्थ आपको बता दें अर्थ के बारे में, देखते हैं इमेजिनरी लाइन विच कट्स अर्थ इनटू टू इक्वल हेमिस्फीयर्स, बेटा जिस लाइन को आप बोलते हैं इक्वेटर, 0 डिग्री लैटिट्यूड। अब मैं ज्यादा यहां तो नहीं बता दूंगा, मैं थोड़ा सा आइडिया आपको दूंगा, ये तो आप सब जानते हैं बेटे। फिर यानी कि अर्थ को ये जो 0 डिग्री लैटिट्यूड है, ये अर्थ को दो हेमिस्फीयर में कट करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस वन एंड व्हाट इज कॉल्ड एज साउदर्न हेमिस्फीयर दिस वन। जो रीजन इस इक्वेटर के नजदीक आते हैं बेटे, अगर हम इसमें देखेंगे 23.5 डिग्री नॉर्थ, यहां या हम देखेंगे 23.5 डिग्री साउथ, ये जो एरियाज हैं बेटा इनको हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन्स। अब फिर आपको पता है बेटे ट्रॉपिक्स के बाद आते हैं सब ट्रॉपिक्स आएंगे, इसके बाद फिर आएंगे बेटे टेम्परेट, फिर आएंगे सब टेम्परेट, और फाइनली आते हैं पोलर रीजन, जिसको हम नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम साउथ पोल बोलते हैं, एंटार्क्टिक एंड आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन। तो जो रीजन्स किसके नजदीक है इक्वेटर के, वो हो गए ट्रॉपिकल रीजन्स, उनके ऊपर दोनों हेमिस्फीयर्स में आएंगे फिर सब ट्रॉपिक्स, फिर टेम्परेट, फिर सब टेम्परेट, फिर पोलर रीजन आएंगे, और अर्थ के एक एंड पर है नॉर्थ पोल और दूसरे एंड पर है साउथ पोल, आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन। ओके, तो देखो यहां बेटे यही चीज मैं आपको समझाना चाह रहा हूं बेटे, जितना हम लैटिट्यूड जो है इक्वेटर पर अगर करता है 0 डिग्री व्हाट इज कॉल्ड एज लैटिट्यूड, जब हम मूव करते हैं बेटे फ्रॉम इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, मैन वी मूव फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड द पोल्स, इक्वेटर से लेकर जहां कहां जाते बेटे हम पोल्स पर, जो लैटिट्यूड इंक्रीज होता जा रहा है बेटे, दिस 0 डिग्री, दिस इज 23.5, दिस इज 37, दिस इज समथिंग लाइक दैट, तो ऊपर ऊपर जब हम जाते बेटे, वेन वी मूव फ्रॉम इक्वेटोरियल रीजन, या वेन वी फ्रॉम इक्वेटर टू द पोल्स, या वेन वी फ्रॉम ट्रॉपिक्स टुवर्ड्स द व्हाट इज कॉल्ड एज पोलर रीजन बेटे, द डायवर्सिटी डिक्रीजेस, बायोडायवर्सिटी डिक्रीजेस। तो ये पहले आप ये स्टेटमेंट कॉपी कर लीजिए। Whenever we move from equator to the poles, the diversity decreases. There are many reasons for it that would explain later. तो ये पहले आप trend लिखकर रखो, trend क्या है? Whenever we move from the equator to the pole, the diversity decreases. Species diversity gets what is called as decline. With respect to all the taxonomic groups in general.
देयर मे बी एक्सेप्शंस बट दिस इज द जनरल ट्रेंड. सो वी कैन व्हाट इज कॉल्ड एज एग्जाम्पलीफाई दिस ट्रेंड विद अ सर्टेन एग्जाम्पल. हम ये ट्रेंड क्या है, इक्वेटर से पोल्स तक, ट्रॉपिक से लेकर पोल्स तक डाइवर्सिटी कम हो जाती है. देखो बेटे, बर्ड स्पीशीज को हम लेंगे या बर्ड्स को लेंगे या बर्ड स्पीशीज को हम लेंगे बेटे, अगर कोलंबिया की बात की जाए, कोलंबिया, व्हेन वी टॉक अबाउट कोलंबिया, कोलंबिया एक ट्रॉपिकल रीजन है, इक्वेटर के नजदीक है. अगर यहां पर देखा जाए कोलंबिया में देयर एग्जिस्ट 1400 बर्ड स्पीशीज. कितने बेटा, 1400 बर्ड स्पीशीज, इवन ग्रेटर देन दैट, मोर देन 1400 बर्ड स्पीशीज एग्जिस्ट इन द कोलंबिया. कोलंबिया कौन सा रीजन है बेटा, ये इक्वेटोरियल रीजन है, ट्रॉपिकल रीजन है, इसका ये ट्रॉपिकल कंट्री है, ट्रॉपिकल रीजन है. फिर अगर हम बेटा मूव करेंगे ट्रॉपिक से लेकर 41 डिग्री नॉर्थ पर आ जाती है बेटा, 41 डिग्री नॉर्थ पे आ जाता है न्यूयॉर्क. न्यूयॉर्क इट कम्स एट 41 डिग्री नॉर्थ, यानी कि ट्रॉपिकल तो है नहीं, ट्रॉपिक कहां पर आ जाता है बेटे, 23.5 तक, ये 41 डिग्री नॉर्थ पर सिचुएटेड है, ये इस लैटिट्यूड में आती है ये, मतलब ये शहर न्यूयॉर्क. अगर यहां पर देखा जाएंगे, देखा जाएगा तो बर्ड स्पीशीज वी हैव 105 बर्ड स्पीशीज, वी हैव 105 बर्ड स्पीशीज ओनली. इसी तरीके से ग्रीनलैंड अगर हम देखेंगे, ग्रीनलैंड वन डिग्री नॉर्थ, ग्रीनलैंड यहां पर वी हैव ओनली 56 बर्ड स्पीशीज, क्योंकि बिकॉज इट्स मोर कॉल्ड एज क्लोज टू द पोलर, इज अ पोलर रीजन, पोल्स के नजदीक है. तो यहां आप ट्रेंड तो क्लियर है, ये ट्रॉपिकल कंट्री, ये टेम्परेट और ये नियर टू द पोल्स, यानी कि जहां पर हमने मूव किया इक्वेटर से दूर, स्पीशीज डाइवर्सिटी कम, बर्ड डाइवर्सिटी कम होगी बेटा. दिस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स जो ये जस्टिफाई करता है कि लैटिट्यूडनल ग्रेडियंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी डू एग्जिस्ट. ओके, नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द इंडिया, इंडिया मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया कम्स इन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड्स, मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया, इंडिया इज लार्जली आर आई कैन से लाइक दिस, I can say like this, beta. India is largely a tropical country. Tropical latitudes में इसका major part आता है. It contains, India contains 1300 species of birds. 1300 species of birds. तो this is very very important. ये याद रखिए. इसी तरीके से एक और example बेटा. अगर हम एक वीडियो और देखेंगे. इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री इक्वाडोर, ये ट्रॉपिकल रीजन है, और मिडवेस्ट यूएसए, ये टेम्परेट रीजन है. हां तो बेटे, इक्वाडोर इट्स अ ट्रॉपिकल कंट्री और मिडवेस्ट यूएसए इट्स टेम्परेट रीजन. अगर हम यहां पर और यहां पर देखेंगे, हम लेंगे फॉरेस्ट ऑफ इक्वल साइज, यानी कि इक्वाडोर का फॉरेस्ट लेंगे और उसी साइज का फॉरेस्ट लेंगे मिडवेस्ट यूएसए में, साइज कॉन्स्टेंट होगा. और वेस्कुलर प्लांट्स की डाइवर्सिटी को देखेंगे, वेस्कुलर प्लांट्स यू नो फ्रॉम टेरिडोफाइट्स ऑनवर्ड्स, फ्रॉम टेरिडोफाइट्स एंड एंजियोस्पर्म्स, तो वहां पर जो वेस्कुलर प्लांट्स जो होंगे इक्वाडोर में, जो वेस्कुलर प्लांट्स होंगे 10 टाइम्स ज्यादा होंगे. आराम से देखो बेटे, इक्वाडोर लिया हमने एक ट्रॉपिकल एरिया और मिडवेस्ट यूएसए टेम्परेट रीजन, वहां पर फॉरेस्ट लिए इक्वल साइज के, और उन फॉरेस्ट में एक्सप्लोर किया हमने वेस्कुलर प्लांट्स को,
और हमने देखा जो वेस्कुलर प्लांट्स है दे आर 10 टाइम्स ग्रेटर इन द इक्विडोर एज कंपेयर टू द मिडवेस्ट यूएस. दिस इज वन मोर थिंग दैट जस्टिफाइज दैट डायवर्सिटी डिक्रीज फ्रॉम ट्रॉपिक्स टू द पोल्स, इक्वेटर टू द पोल्स. इस इक्विडोर में भी वेस्कुलर प्लांट्स है, यहां पर भी वेस्कुलर प्लांट्स है, यहां 10 टाइम्स मोर है. कहां? इक्विडोर. मैक्सिमम डायवर्सिटी इज फाउंड इन मैक्सिमम डायवर्सिटी इज फाउंड इन एमेजोनियन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. मैक्सिमम डायवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. सबसे दुनिया में डायवर्सिटी जो ज्यादा पाई जाती है वो है कहां? ट्रॉपिकल एमेजोनियन, ट्रॉपिकल रीजन, एमेजोनियन. एमेजोन एक रीजन है, यू नो, ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट. यहां पर सबसे मैक्सिमम डायवर्सिटी पाई जाती है. ये जो ट्रॉपिकल एमेजोनियन फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट जो है, दे आर होम टू, यानी कि यहां पर रहती है 40,000 प्लांट स्पीशीज, 3,000 birds, 12 में बता दूंगा बेटे. जो ये ट्रॉपिकल एमेजोनियन फॉरेस्ट है, दे आर होम टू, यानी कि यहां पर पाई जाती है 40,000 स्पीशीज ऑफ रिकॉल्ड एज 40,000 प्लांट स्पीशीज. थ्री थाउजेंड स्पीशीज ऑफ फिशेज, थर्टीन हंड्रेड स्पीशीज ऑफ बर्ड्स, मैमल्स 457 स्पीशीज ऑफ, सॉरी 427 स्पीशीज ऑफ एम्फीबियंस, 427 स्पीशीज ऑफ मैमल्स. तो ये है डेटा किसका बेटी, कि ट्रॉपिकल एमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में क्या पाया जाता है, व्हाट्स फाउंड देयर इन द रिकॉर्ड ट्रॉपिकल एमेजोनियन फॉरेस्ट. इन एडिशन टू दिस बेटा, जो ट्रॉपिकल एमेजोनियन फॉरेस्ट है बेटा, दे आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ. लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ इसको कहा जाता है. ये लिखो बेटे, ट्रॉपिकल एमेजोनियन फॉरेस्ट आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ बिकॉज दे प्रोड्यूस 20%, जो प्लांट्स वहां पर फोटोसिंथेसिस करते हैं, दे प्रोड्यूस 20% ऑफ द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर. जो 20% ऑक्सीजन जो हमारे पास आ जाता है एटमोस्फेयर में ग्लोबली, वो आ जाता है बेटे फ्रॉम द एमेजोनियन फॉरेस्ट. दैट्स द रीजन दे आर कॉल्ड एज लंग्स ऑफ प्लैनेट अर्थ बिकॉज दे कंट्रीब्यूट 20% ऑफ द ऑक्सीजन टू द एटमॉस्फेयर. तो ये है हमारे में, ये था कुछ डेटा जो हमारे पास है बेटे. अब हम डिस्कस करेंगे इसके बाद, नाउ वी विल डिस्कस इज दैट व्हाई स्पीशीज डायवर्सिटी इज हाई इन द ट्रॉपिक्स. Why species diversity is high in the tropics? अब हम ये बात करने जा रहे हैं बेटा कि
स्पीशियल डाइवर्सिटी अगर ट्रॉपिक्स में ज्यादा है तो क्यों है बेटे? इकोलॉजिस्ट्स एंड सेवरल एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स, और आई कैन से लाइक दिस, इकोलॉजिस्ट्स एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट्स, दे हैव प्रपोज्ड सेवरल थ्योरीज, दे हैव प्रपोज्ड सेवरल व्हाट यू कॉल्ड एज थ्योरीज टू एक्सप्लेन द वेरी हाई बायोडाइवर्सिटी इन द ट्रॉपिकल रीजन्स. तो पहला जो है, पहला रीजन है ट्रॉपिक्स आर एवोल्यूशनरी ओल्डर. आप बोलेंगे सर पूरी अर्थ तो एक साथ बनी है, तो ये क्या आपने बोला ट्रॉपिक्स आर एवोल्यूशनरी ओल्डर? देखा बेटा, देखो बेटा, जो ट्रॉपिक्स है, जो ट्रॉपिकल रीजन्स है बेटे, इनके अंदर जो ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर जो है बेटे, कंडीशंस हैव रिमेन फिजिबल यूनिफॉर्म फेवरेबल थ्रू आउट व्हाट यू कॉल्ड एज जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ द अर्थ. अनलाइक पोलर रीजन्स जहां पर फ्रीक्वेंट ग्लाइसिएशन हुई है, विच हैज रिमेन्ड अंडर फ्रीक्वेंट ग्लाइसिएशन फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स. यानी कि कहने का मतलब क्या है मेरे बच्चों, जो पोलर रीजन्स है ना, जो पोलर रीजन्स है, ये जो पोलर रीजन्स है बेटा, ये ग्लेशियेशन यहां पर जो फ्रोजन मॉडिकॉल्डस कंडीशंस रही है, ग्लेशियर्स बने हुए थे बेटे फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स, यानी कि बिल्कुल अनफेवरेबल स्थिति वहां पर थी. और ट्रॉपिक्स में ऐसा कुछ नहीं था बेटा, ट्रॉपिक्स में जो है, ट्रॉपिक्स में यूनिफॉर्म व्हाट कंडीशंस एग्जिस्टेड थ्रू आउट. अब मुझे बताओ एवोल्यूशन ज्यादा कहां पर हुआ होगा, ट्रॉपिक्स में कि पोलर रीजन में? ऑब्वियसली ट्रॉपिक्स में ज्यादा एवोल्यूशन हो गया हुआ होगा बेटा. एंड स्पीसिएशन, स्पीसिएशन जो है, दैट्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, इट्स अ फंक्शन ऑफ, ये जो इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट्स अ फंक्शन ऑफ टाइम, एवोल्यूशनरी टाइम. यहां एवोल्यूशनरी टाइम ज्यादा मिला है ट्रॉपिक्स में, ज्यादा एवोल्यूशन हुआ है. टेम्परेट में या पोलर रीजन में बिल्कुल कम हुआ है. तो दैट्स वन रीजन, वहां पर स्पीशीज ज्यादा डाइवर्सिफाई हो गई, ज्यादा एवोल्यूशन हो गया, ज्यादा स्पीशीज देखने को आई. तो दिस इज वन रीजन. तो पहला रीजन मैंने क्या बोला, रीजन मैंने क्या बोला बेटा, ट्रॉपिक्स आर एवोल्यूशनरी ओल्डर, स्पीशीज इन फंक्शन ऑफ टाइम, ज्यादा एवोल्यूशनरी टाइम, ज्यादा स्पीशीज बन गई है, एंड दैट द रीजन दे आर मोर डाइवर्स. कॉन्स्टेंट दोयम, सेकेंड फैक्टर, कॉन्स्टेंट प्रिडिक्टेबल एंड लेस सीजनल एंड लेस सीजनल कंडीशंस. तो मेरे पास जो हमारे ट्रॉपिक्स है, यहां पर जो थ्रू आउट ऑलमोस्ट ईयर, थ्रू आउट व्हाट कॉल्ड एज ईयर, क्या हमारा रहता है, टेम्परेचर भी ज्यादा रहता है, रेनफॉल भी ज्यादा रहता है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा रहती है, यहां पर प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट है. सीजनलिटी यहां पर नहीं है, जैसे टेम्परेट रीजन में आधे हिस्से में विंटर होता है, मतलब आधे फॉर वन पार्ट ऑफ द ईयर देयर समर, अदर पार्ट देयर विंटर. तो यहां पर वो नहीं है, यहां कॉन्स्टेंट कंडीशन एग्जिस्ट कर रही है. सेकेंड रीजन इज देयर इज कॉन्स्टेंट प्रिडिक्टेबल एंड less seasonal conditions in the temperate areas or in the polar area, in the sorry tropical areas. Tropical areas mein constant predictable and less seasonal conditions hai. To species kahan par zyada flourish karna chahenge, jahan with respect to the habitat, with respect to the nutrients, conditions predictable hogi ki unpredictable? Predictable obviously. So yahan par niche specialization zyada hogi, zyada niches bani, aur निश स्पेशलाइजेशन ज्यादा होगी तो डाइवर्सिटी भी बेटे ज्यादा दिख रही. समझ आया आपको? क्योंकि यहां पर प्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट है, फेवरेबल कंडीशन है, विद रेस्पेक्ट टू फूड, विद रेस्पेक्ट टू द न्यूट्रिएंट्स, विद रेस्पेक्ट टू द एनवायरमेंटल कंडीशन, स्पीशीज यहां ज्यादा फ्लोरिश हो जाएंगी, ज्यादा एग्जिस्ट करेंगी, माइग्रेशन का भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. नंबर थर्ड इज वार्म
एंड ह्यूमिड टेम्परेचर, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। ट्रॉपिक्स में जो हमारे है कंडीशंस वार्म रहते हैं, ह्यूमिड कंडीशंस, वार्म कंडीशंस, यू नो वार्म कंडीशंस जो है मेरे बच्चों, दे आर मोर फेवरेबल फॉर द ग्रोथ। ह्यूमिडिटी इज मोर, दो मोर ग्रोथ कंडीशंस आर मोर फिजिबल इन द व्हाट इज कॉल्ड एज टेम्परेट एरियाज। तो इसलिए भी यहां पर स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा हो गई बेटे। फोर्थ, ड्यू टू द टिल्ट ऑफ द अर्थ, आपको पता है अर्थ इज टिल्टेड एट एन एक्सिस, मोर सोलर रेडिएशन आर अवेलेबल ऑन द ट्रॉपिक्स ड्यू टू द टिल्ट ऑफ अर्थ। आपको ऐसे पता है अर्थ ऐसे टिल्टेड है बेटे, ट्रॉपिक्स पर लाइट अवेलेबिलिटी ज्यादा है एज कंपेयर टू द पोल। सो वन मोर थिंग आई वुड से, वी हैव मोर लाइट अवेलेबिलिटी, मोर लाइट अवेलेबिलिटी वी हैव एट इक्वेटर और ऑन ट्रॉपिक्स। तो मोर लाइट अवेलेबिलिटी, मोर लाइट मीन्स मोर प्रोडक्टिविटी, तो प्रोडक्टिविटी ज्यादा, प्रोडक्टिविटी का मतलब ज्यादा एनर्जी अवेलेबल ज्यादा। मोर प्रोडक्टिविटी का मतलब है बेटा मोर स्पीशी डाइवर्सिटी, क्योंकि तभी तो स्पीशी डाइवर्सिटी करेंगे जाएंगे ना, डाइवर्सिफाई हो जाएंगे ना बेटे, तभी स्पीशी जब न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होंगे, प्रोडक्टिविटी होंगी। तो मैंने एक और चीज बेटे यहां पर मैं आपको ऐड करूंगा, लास्ट थिंग, ओवरऑल आपने देखा ट्रॉपिक्स में डाइवर्सिटी क्या है, ज्यादा है एनिमल्स की भी, प्लांट्स की भी, और वहां डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स भी ज्यादा, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो डाइवर्स देयर, इंसेक्ट्स आर ऑल्सो डाइवर्स, टाइप्स ऑफ इंसेक्ट्स आर देयर इन द ट्रॉपिक्स, इंसेक्ट्स ज्यादा, मोर आउटब्रीडिंग, मोर आउटक्रॉसिंग, मोर क्रॉस पॉलिनेशन, मोर क्रॉस पॉलिनेशन मीन मोर प्रोडक्टिविटी, मोर वेरिएशन, मोर एवोल्यूशन। तो इसके लिए भी ये भी एक रीजन है, वहां पॉलिनेशन बड़ी स्ट्रांग है, बिकॉज इंसेक्ट स्पीशीज आर मोर, पॉलिनेशन इज हाई, डाइवर्सिटी इज हाई, वेरिएशन इज हाई, प्रोडक्टिविटी इज हाई, ऑल दीज फैक्टर्स बेटा दे कंट्रीब्यूट टू द हायर डाइवर्सिटी इन द व्हाट इज कॉल्ड एज ट्रॉपिक्स एंड लेसर डाइवर्सिटी इन द टेम्परेट रीजंस। बिफोर आई वुड वाइंड अप माय टुडेज सेक्शन बेटे, मैं ये रीजंस आपको ज्यादा एक्सप्लेन कर लूंगा और दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा। अब स्पीशी डाइवर्सिटी क्यों है ज्यादा ट्रॉपिक्स में, दे आर एवोल्यूशनरी ओल्डर, देयर इज मोर स्पीशीएशन, तो दैट्स वन ऑफ द रीजन, समझ रहे आप। नंबर सेकंड रीजन इज दैट दिस प्रोडक्टिबल एनवायरमेंट, फेवरेबल कंडीशन थ्रू आउट, लेस सीजनैलिटी, मोर निश स्पेशलाइजेशन, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन विच फेवर ग्रोथ, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज मोर लाइट अवेलेबिलिटी, मोर लाइट अवेलेबिलिटी मीन्स मोर प्रोडक्टिविटी, मोर स्पीशीज डाइवर्सिटी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, थैंक यू फॉर टुडे, रेस्ट विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट लेक्चर, थैंक यू।